डोरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती ग्राम पंचायत चलो के गांव भरलाड की रहने वाली शारदा देवी व उनका परिवार जर्जर हालत में रहने को मजबूर है। शारदा देवी के मकान की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि बरसात होने की वजह से उनका मकान किसी खतरे से खाली नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बारिश के चलते मकान ध्वस्त हो चुका है जो कि किसी भी समय गिर सकता है। शारदा देवी ने बताया कि उनके परिवार में 7 सदस्य हैं जो वर्तमान में बीपीएल की सूची में हैं, लेकिन उनका बीपीएल की सूची में नाम दर्ज होना महज सिर्फ नाम सूची में ही दर्ज होकर रह गया है और इस श्रेणी को मिलने वाली सरकार की सभी योजनाएं उनसे कोसों दूर हैं और आज तक एक भी योजना के तहत उनको मकान व अन्य किसी भी प्रकार की सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है जिससे वे आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं। शारदा देवी ने बताया कि उनका पूरा परिवार खतरे में रहने के लिए मजबूर है और पूरी पूरी रात उनका परिवार जाग कर ही समय बिता रहा है और कभी भी उनका मकान गिर सकता है और उनके परिवार की जान तक जा सकती है। मैडम क्या नाम है जी आपका? कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन सी पंचायत है? तहसील इंदौरा में जी। आज आपके मकान में आए थे, हम आपके घर में आए थे। आप ये मकान की बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत हो चुकी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके सामने है जो भी है, जब कई सालों का बना हुआ है, सभी लाए, सरकार को भी बोला है, सभी को बोला है, किसी ने भी सुनाई नहीं थी। तो अभी आप क्या चाहते हैं, प्रशासन और सरकार से क्या मांगे आपकी? हमें तो यही चाहिए कि हमारा मकान बनना चाहिए, और क्या चाहिए हमें। अगर प्रशासन की तरफ से आपको फौरी राहत मिलती है, 10-20-50 हज़ार मिलती भी है, तो उससे आपके मकान का कोई भी हल नहीं होने वाला? उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होना। तो अभी सरकार से क्या मांगे आपकी? मांग तो यही होनी चाहिए मकान बने हमारा, जो भी है सरकारी देगी, हमें क्या लेना, हमें क्या करना है। साढ़े मकान की हालत दिख लो, कंडीशन है, तुम्हें पता ही, तुम दिखे हो, खुद दिखे तुम सब कुछ। जो कले मेरे बच्चे मरिया ना, सरकार जिम्मेवार है, जो भी देना सरकार ने क्या करना है, कुछ भी नहीं कर सकती। जो करना सरकार ने, कल बच्चे मरिया ना, कल सरकार दे फिर क्या खैर। वहीं शायद सरकार व स्थानीय विधायक व प्रशासन भी उसी दिन का इंतजार कर रहा है कि मकान गिरे तो हम उनके घर जाएं। बता दें कि शारदा देवी के परिवार में उनके पति, 4 बच्चे तथा उनकी अपंग सास है जो कि जर्जर हालत में रह रही हैं। शारदा देवी तथा उनके परिवार ने सरकार से समय समय पर आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, पर प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। अब देखना है कि सरकार उनके बारे में क्या सोचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।